दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो में। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आज की एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसा कि दोस्तों, करोड़ों अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके पैसे कब से रिफंड होने लगेंगे। दोस्तों वो दिन आ चुका है और देख सकते हैं 11/4/2019 को मेरे अकाउंट के अंतर्गत रेलवे रिक्वायरमेंट की तरफ से एक मैसेज आया था और उस मैसेज में यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो 390 रुपये जो है वो आपके रिफ़ंड कर दिए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैसेज के अंतर्गत मेरे को बताया गया है कि रेलवे के जो पैसे हैं ग्रुप डी के वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दोस्तों आप भी जल्दी से जाके अपने बैंक अकाउंट में चेक करें कि आपके भी पैसे ग्रुप डी के अभी तक रिफ़ंड हुए हैं या नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ फ़ोन के माध्यम से बताने वाला हूं, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाके आपको दिखाने वाला हूं और कहां पे मोबाइल में मैसेज आया है कि आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपके भी पैसे रिफ़ंड हो चुके हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि लोगों को विश्वास हो कि ये जो वीडियो है सही वीडियो है और लोगों के पैसे ग्रुप डी के वापस आना शुरू हो चुके हैं। अगर दोस्तों किसी कैंडिडेट के नहीं आ रहे हैं, नहीं पैसे आना शुरू हुए हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन लेके आ सकूं। तो दोस्तों इस पैसों को जल्दी से अपने अकाउंट में से निकाल लें, वरना जो पैसे हैं ये वापस रेलवे बोर्ड भी ले सकता है। इसका कारण एक ही है, अगर आपने एक से अधिक कैंडिडेटों के अंतर्गत एक ही अकाउंट नंबर दे दिया है तो दोस्तों वो पैसे अगर एक अकाउंट में दो या दो से अधिक पैसे आ चुके हैं कैंडिडेटों के, तो दोस्तों वो पैसे रिफंड भी हो सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। इसके लिए जल्दी से अपने बैंक अकाउंट में जाके पैसे निकाल लें। तो दोस्तों कहाँ पे हमारे को मैसेज आया है, चलिए मैं आपको ये पहले जाके दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11/4/2019 को लगभग 1:30 बजे हमारे को ये मैसेज आया था। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर क्रेडिट विद 390 रुपये। दोस्तों यहाँ पे बताया गया था कि OBC और जनरल वालों को 400 रुपये फीस रिफंड के लिए दिए जाएंगे, ST और फीमेल कैटेगरी को 250 रुपये यहाँ पे फीस रिफंड के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 400 की जगह 390 आए हैं, यानी कि 10 रुपये कम आए हैं। दोस्तों आप ये किसी भी का भी चार्ज आप मान सकते हो, वो काट लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 11/4/2019 को यहाँ पे देख सकते हैं NEFT फ्रॉम रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बंक की तरफ से ये जो पैसे हैं 390 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। दोस्तों जैसे ही मेरे अकाउंट के अंतर्गत पैसे ट्रांसफ़र आए तभी मैंने वीडियो बना के आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का कार्य किया। और दोस्तों ऐसे भी आगे भी मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहूँगा, प्लीज़ इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं 702.27 रुपये है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे मेरे ट्रांजैक्शन में जाके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल के अंतर्गत 11/4/2019 को NEFT SBI ये ट्रांजैक्शन ID रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर की तरफ से यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं 390 रुपये। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी की ओर से जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको फिर भी विश्वास न हो तो मैं आपको लाइव भी मेरे जो बैंक अकाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन जाके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, 11/4/2019 की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं नीट रेलवे रिक्वायरमेंट बेंगलोर की तरफ से यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं अकाउंट के अंतर्गत 390 रुपये। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल के आ रही है। दोस्तों जल्दी से अपने अकाउंट के अंतर्गत चेक करें कि आपके अकाउंट में भी पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपसे आप संतुष्ट हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब दिखा रहा है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर आप कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं, मैंने जाँच पड़ताल की है तो मुझे मिला है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अकाउंट में एक ही अकाउंट एक से अधिक कैंडिडेटों को मैं अपलोड किया था और उनके सभी के पैसे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों उन कैंडिडेटों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से अपने जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट से निकाल लें, अन्यथा जो पैसे हैं वो वापस भी ट्रांसफ़र हो सकें। दोस्तों नोटिफिकेशन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि एक ही कैंडिडेट का एक ही अकाउंट मान्य होगा, लेकिन दोस्तों अब जाँच दोबारा से हो सकती है और वो पैसे वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपनी ट्रांजेक्शन करें, पैसों को निकालें। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, अगर संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसी नए लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भारत।